हम न्यूज आगे की सोच आज तुम अपने सेपरेट केबिन में बैठोगे फिर वह कोई और करेगा और तुम उसे सुपरवाइज करोगे ये आप क्या कह रही हैं मैम मैं तुम्हारा ऑफिशियल लेटर टाइप करवा देती हूँ बेटा तुमने जो कमेटी डाली थी उसके पूरे 7,000 गिन के मैंने यहाँ रखे थे जिसमें से 2,000 कम है अम्मा शायद आपने कहीं घर में ही खर्च कर दी हूँ याद करें अरे मैं पागल हूँ क्या कि पैसे घर में खर्च कर दिए और मुझे पता ही नहीं है अच्छा चलें ठीक है धूप बहुत ज्यादा है आप गाड़ी में बैठ जाएं जी नहीं बस कुछ ही पास में बस स्टॉप है मैं चली जाऊंगी आप जाएं मैं छोड़ देता हूँ ना आपको प्लीज मुझे नहीं जाना ना उजाला गाड़ी में बैठे हैं आप रोक क्यों झाड़ रहे बैठ रही हूँ ना क्या बात करनी थी आपको मैं तो आपसे शादी करना चाह रहा था क्या वो मैं कह रहा था कि मेरी बर्थडे है और आपने मुझे विश भी नहीं किया एक्सट्रीमली सॉरी मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था वैसे आपको और भी बहुत सी चीजों का नहीं पता एनीवेज हैप्पी बर्थडे थैंक यू लेकिन बस हैप्पी बर्थडे तो क्या मैं अब आपको बर्थडे सॉन्ग गाकर सुनाऊं अरे नहीं नहीं कोई गिफ्ट वगैरह तो होता है ना वो तो मुश्किल है अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं जरूर ले आती लेकिन अब आपका गिफ्ट उधार रहा मुझ पे आप चाहें तो आप अभी भी गिफ्ट दे सकती हैं मुझे क्या मतलब एक मुस्कुराहट वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा अरे अम्मा बता तो सही क्या हुआ तूने पूरे रास्ते कुछ नहीं बताया साफ जवाब दे दिया उसकी माँ ने अब सुकून मिल गया तुम्हें लेकिन क्यों अम्मा वो कहती है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं किसी लम्हे भी अच्छा ये कहा है उसने मैं भी जाके उससे बात करता हूँ रुको अब इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा करोगे ये छोटी बात नहीं है अम्मा उसकी बेटी है उसकी मर्जी और वैसे भी मुझे शीना की माँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बहुत तेज और आ गया मुझे शादी शीना से करनी है उसकी माँ से नहीं देखो जला तुम्हारे कहने पे मैं वहां चली तो गई अब मुझसे कोई और उम्मीद ना रखना लेकिन क्यों अम्मा पहले तो बड़ी खुशी खुशी आपने शीना को अंगूठी पहनाई थी अब क्या हुआ पहले मैं ये नहीं जानती थी कि वो मासी गिरी करती है करती थी अब नहीं करती और अम्मा उससे क्या फर्क पड़ता है पड़ता है फर्क मुझे फर्क पड़ता है अब ऐसे भी तुम कह गुजरे नहीं हो कि मैं एक मासी को उठाकर तुम्हारी दुल्हन बना दूं तो आपने मेरे लिए कौन सी हूर परी देख रखी अम्मा तुम इसकी फिक्र ना करो मिल जाएगी कोई अम्मा तू बहुत भोली है कौन एक डाकू को अपनी बेटी देता है खानदान में तो कोई नहीं कोई ना कोई मिल जाएगी अच्छी लड़की बेटा लेकिन मुझे किसी अच्छी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करनी अम्मा इसीलिए मैं शीना से शादी करूंगा चाहे उसके लिए मुझे उसे घर से भगाना ही क्यों ना पड़े क्या कहा तुमने वही जो आपने सुना खबरदार खबरदार जो ऐसी बकवास तुमने दोबारा की तो जूता उतार कर यही रोड पर मारना शुरू कर दूंगी अम्मा मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं है अच्छा तो शादी करके उसे रखोगे कहाँ घर में तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें घुसने नहीं देंगे मुझे परवाह नहीं वैसे भी इस दड़बे में रहना कौन चाहता है तो कहाँ रखोगे उसे आसमान पर या सड़क पर जहाँ खुद रहते हो अम्मा मैं घर खरीदने लगा हूँ घर हाँ घर कल दिखाने ले चलूंगा आपको सौदा कर लिया है मैंने कल चाबी मिल जाएगी इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास आप जानती हैं अम्मा आप जाएं घर जाएं तुम भी चलो मेरे साथ अम्मा मैं कह रहा हूँ ना आप जाएं और सुनो खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत की तो आप जाएं अम्मा
ओफो, इस सारे गली के बच्चे कहाँ मर गए? इतना दिल कर रहा है समोसे खाने का, अम्मा के आने से पहले पहले जो खाना है ना खा लूं, वरना पूछ पूछ कर नाक में दम कर देंगी कि पैसे कहाँ से आए। लंगूर लग तो बड़ा हैंडसम रहा है, मगर ये गाड़ी में क्या कर रहा है? अच्छा अब चलें, बहुत देर हो गई। अच्छा ये बताओ कि मॉम को कब लेके आऊं आपके घर? नहीं नहीं तबरेज, क्या हो गया आपको? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों अभी क्यों नहीं? मैं शादी नहीं करना चाहती, अम्मा पापा को मेरी जरूरत है, मुझे जॉब करनी है, घर की जिम्मेदारी उठानी है। तो आपने सिर्फ हाँ बोलना है, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है। क्यों आप क्या मंथली खैरात दिया करेंगे मेरे घर वालों को? उछाला क्यों इतना नेगेटिव हो जाती है मेरे बारे में? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ, मुझे भी शादी नहीं करनी है। यार मैं तो सिर्फ आपका बर्डन शेयर करना चाह रहा था। अच्छा बताएं ना मॉम को कब भेजो? फिर वही बात, आपको इंतजार करना है करें, नहीं करना है तो अपने लिए कोई और ढूंढें प्लीज। मशवरे का शुक्रिया, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है। प्लीज प्लीज आप मेरी ठीक है, मैंने सोच लिया और मैं आपका वेट करूंगा। अम्मा अम्मा इसे छोड़े, मेरी बात सुनिए। मेरे पास में अरे क्या बावला हो गया, क्या हुआ तुझे? आपके बेटे की प्रमोशन होगी। सच्ची? हाँ। मगर इतनी जल्दी कैसे, अभी तो तुझे जॉब मिली थी। बस आप ये समझ लें कि जिस तरह हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, इस तरह ऑफिस वालों को समझ आ गई कि मैं कितने काम का बंदा हूँ। मैं तुझे कहती थी ना तू बहुत आगे जाएगा। ये तो उस मनोज शर्मा की सारी मनुष्यत थी, देख ले कैसे गई है, तो घर में रोशनी हो गई है। अच्छा अब चाय तो पिला देना। अच्छा मोमिया तब्रेज अभी भी उस लड़की के साथ है, उस आम सी लड़की की वजह से उसने मुझे ठुकरा दिया। अच्छा हुआ कि वो आम सी लड़की के साथ है, वैसे भी तुम्हारा और तब्रेज का कोई मैच नहीं है। खुदा के लिए तब्रेज को भूल जाओ। तब्रेज ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? हर वक्त ये तब्रेज तब्रेज कहना छोड़ दो। Now just think about Tamur, okay? मोमा बार बार क्यों भूल जाती है कि वो हमारा नौकर है? इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है उसे? रीन, वो बहुत जल्द तुम्हारा शौहर बनने वाला है, अभी से इसको अपने मुताबिक ट्रेन करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है। यानी कि आप सब कुछ डिसाइड कर चुकी? तुम्हें सारी जिंदगी में यहाँ तो नहीं बिठा के रखूंगी ना। अच्छा कि तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ मेरे जीते जी। मोम वो लड़का मुझे नहीं पसंद, और जिस शख्स को मैं पसंद नहीं करती उसे शादी कैसे कर लूं? देखो री, तुमने अपनी पसंद कर देख ली ना, फॉर गॉड से अब तुम मेरी सुनो, जैसा मैं कह रही ना बस वैसा करो। आप सब कुछ खुद अज्यूम करके बैठ गई, एक बार उसे पूछ तो ले कहीं वो लेडी मैरिड तो नहीं है। अरे बाबा मैंने सारे इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, वो शादीशुदा नहीं है, और आइंदा इस घर में मैं तब्रेज का नाम नहीं सुनना चाहती। Do you understand that? तब्रेज तब्रेज। अरे क्यों लटक रही हो ऊपर? वो ऐसी अम्मा बाहर देख रही थी। अब्बा को देखा है कि नहीं, उन्हें कोई चीज की जरूरत तो नहीं थी? अरे अब्बा को क्या दिखती, वो तो उठे ही नहीं। वैसे अम्मा जलाल के साथ कहाँ गई थी? नहीं कहीं नहीं गई थी, बस ऐसे ही कुछ छोटा सा काम था। वैसे अम्मा बड़ी अजीब बात हुई है आज एक। क्या हो गया? वो तैमूर के घर में ना एक बड़ी गाड़ी आई थी उसे छोड़ने,
किसकी गाड़ी? ऑफिस की गाड़ी होगी। ये कमबख्त, कहा भी था तुमने सबर के साथ अपने ससुराल में रहो, हालात बदलते पता नहीं चलता। अम्मा तैमूर भी कोई वजीर खजाना नहीं बन गया पाकिस्तान का, यही कोई 2-3-4 हज़ार रुपए बड़े होंगे उसमें शोकियां मार रहा है। मजाल है, मजाल है जो तुम्हारी अकल में जरा सा भी इजाफा हुआ। एक तो अम्मा आपको कोई भी बात बताना ना बहुत ही फजूल होता है, पीछे ही पड़ जाती है हाथ धोके। जैसे तू हाथ मुंह धोकर अपनी अकल के पीछे पड़ गई हो। और एक कमबख्त अभी भी वक्त नहीं गुजरा, सुलह कर ले चली जा तैमूर के घर। अरे अम्मा तैमूर में ना वो बात नहीं आ सकती जो किसी अमीर ज़ादे में होती है, और मैं ना ऐसा ही बंदा डिजर्व करती हूँ। हाँ अमीर ज़ादा जैसे चिराग लिए गली गली तुम्हें ढूंढता फिर रहा है कि शमा मिलेगी, और वो डोला उठाए फौरन तुम्हें लेने पहुंच जाएगा। आप देख लिएगा अम्मा, एक दिन ऐसा जरूर होगा। तुम्हारी तो वही रोज की फजूल बात है, जाकर बनाओ तुम्हारे अब्बा के लिए खिचड़ी। हाँ हाँ जाइए जाइए, आपको ये अल्लाह नसीब करे ये दाल और खिचड़ियाँ। शमा के तो मेरे मुसल्लम खाने के दिन आ गए। सलाम, बिल्ली के ख्वाब चितरों के। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी अम्मा मान जाएंगी, तो अब क्या हुआ? मैंने बहुत कहा अम्मा से लेकिन वो नहीं मानी। अगर वो नहीं मान रहे तुम्हारी बात को तो मतलब तुम उनकी बात मान गई हो। क्या? उसकी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं जलाल, लेकिन तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? तुमने कहा था तुम सब संभाल लोगी। तुम पहले अपने गुस्से को संभालो फिर अगली बात करूंगी। अगली बात क्या? तुम्हें पता है मेरे लिए रिश्ता किसने भेजा है? किसने? तुम्हारे उस्ताद गोगे ने। क्या? हाँ, और तुम्हें पता है उसने अम्मा को पूरे 50,000 दिए शॉपिंग के लिए। और तुमने रख भी लिए? मैंने नहीं, अम्मा ने रखे हैं। और वैसे भी तुमने आज तक सिर्फ बातें की हैं, किया ही क्या है जिससे अम्मा राजी हो जाए? फिक्र ना करो, कर लिया मैंने इंतजाम उस बुढ़िया का मुंह बंद करने के लिए। जलाल तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो मेरी अम्मा के बारे में? तो और क्या कहूँ, बात करके गया था ना कि बहुत जल्द घर ले रहा हूँ, तो वो मुकरी क्यों? जलाल अब कब तक कोई कितना इंतजार करेगा? तुम फिक्र ना करो, कल तैयार रखना अपनी माँ को, ऐसा घर खरीदा देखेगी तो आंखें चार हो जाएंगी। है सच्ची? हमारा अपना घर? हाँ अपना घर। अपनी माँ को साफ साफ कह दो कि तुम शादी सिर्फ मुझसे करोगी। वो तो मैंने कल ही कह दिया था कि शादी करूंगी तो सिर्फ जलाल से। अब ये बताओ तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा? मेरी अम्मा की तुम टेंशन मत लो, अभी उस्ताद गोगे के बीच कसने पड़ेंगे। जानबूझ के उसने रिश्ता भेजा है, उसे पता है ना हमारा चल रहा है। क्या करोगे जलाल? हर बात बताने वाली नहीं होती। अच्छा छोड़ो ना, तुम अभी तो अपना मूड खराब नहीं करो। उजाला बेटा, जब से आई हो तुम इन कागजों में उलझी हुई हो। खाना लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं अम्मा, मैं खुद ले लूंगी, आप ही जाएंगे। अच्छा तुम गई थी 2-3 जगहों पे, कुछ बना? हाँ अभी कहाँ, अभी तो बस एक दो जगह पर इंटरव्यू दिया है, अभी और जगह बात की है, देखें क्या होता है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, मैं खाना लेकर आती हूँ। बड़ी खिदमतें चल रही है, खाने का पूछा जा रहा है। सच कहते हैं भाई, पैसे में बड़ी ताकत है, ऐसे ऐसों की किस्मत बदल देता। और तू जब भी बोलती है ना मुंह से कुछ बुरा ही बोलती है। क्यों, क्या गलत कहा है मैंने? अभी तो उसने 4 पैसे कमाना शुरू नहीं किया और आपने खिदमतें करना शुरू कर दी। अच्छा तो तुम भी अपना शौक पूरा कर लो पैसा कमाने का, जाओ जाकर तुम भी जॉब करो। मुझे क्या जरूरत है जॉब करने की, मैं तो ऐश करने के लिए पैदा हुई। लोग करेंगे मेहनत और मैं उनके पैसों पे ऐश करूंगी। गरीब लोग करते रहे मैंने। अरे ये फोन किसका आ रहा है? एक दोस्त का फोन है, आप नहीं जानते उसे। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अच्छा बेटा मैं खाना लेकर आती हूँ। बोलो क्यों फोन किया है? कुछ नहीं, बस बताना था कि मेरी प्रमोशन हो गई। क्यों, शहर के सीएम लग गए हो? और तुम भी कहीं की महारानी नहीं हो जो इतना इतरा रही हो।
जलने की बू आ रही है। अरे जलोगी तो तुम, और वो भी जहन्नुम में, चोर की नाफरमान। जो तुम कौन से पीर हो जो तुम्हारी एक फूंक से मैं जल के भस्म हो जाऊंगी? तुम्हें पता तुम नाकाबले इलाज। सोच रहा था शायद तुम्हें थोड़ी अकल आ जाए, कुछ एहसास हो जाए, लेकिन न। हाँ तो ना मुझे अकल आएगी ना तुम्हें गैरत। तभी तो यूं मेरे धुतकारने के बावजूद तुम हिलाते हिलाते बार बार मेरे पीछे आ जाते हो। शमा तुम हद से बढ़ रही हो। तुम्हारी हदों की जो रसाई है ना तैमूर, उनसे मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। याद रखो शमा, एक वक्त आएगा जब तुम बहुत पछताओगी। मेरी तवज्जो की ना भीख मांगोगी तुम, भीख। फिर तुम्हारी आँख खुल जाएगी और सारे ख्याली अंडे टूट जाएंगे, ऐसे ही होगा ना? तुम्हारे इस गुरूर को तोड़ना दिया ना, तो मेरा नाम भी तैमूर नहीं, याद रखना। फिर तो तुम आज से अपना नाम शर्मिंदा खान रख लो, क्योंकि ऐसा कभी होगा। गलत घर का रुख कर लिया है गोगे। ठंडा हो जा बेटा, ठंडा हो जा। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। अब क्या हर बार मुझे अपना तारुफ कराना पड़ेगा? अच्छा तो ये आप बोल रही हैं, मिस शमा मुनव्वर। मैं तो पहले ही जानती थी कि आप यूं चुटकी बजाती हैं मुझे पहचान जाएंगे। सावरी।